नमस्कार। रागांग श्रृंखला में हम तोड़ी अंग के रागों का वर्णन इन दिनों कर रहे हैं। तोड़ी अंग के रागों में हमने मियां की तोड़ी, राग गुर्जरी तोड़ी, ये दोनों राग आपको विस्तार पूर्वक बताए। आज हम एक और राग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि तोड़ी अंग का बहुत ही प्रसिद्ध राग है। इस राग का नाम है राग बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी एक बहुत ही मधुर और बहुत ही प्रसिद्ध राग है। ये कहें कि एक विस्तार का राग या एक बढ़त का राग जो है बिलास खानी तोड़ी है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। बिलास खानी तोड़ी जो है वो गायन के क्षेत्र में या वादन के क्षेत्र में कलाकार संगीतज्ञ लोग बहुधा इसको गाना बजाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक आलापचारी का राग है। घंटों इस राग में आलाप किया जा सकता है, इसलिए ध्रुपद गायक या ख्याल गायक इस राग को बखूबी गाना बहुत पसंद करते हैं और श्रोता भी उसको बहुत ही सराहते हैं। राग बिलास खानी तोड़ी जैसे नाम ही कहता है, बिलास खानी तोड़ी, या कहीं ना कहीं बात आती कि बिलास खां से इसका कोई ना कोई संबंध होगा। मैं जैसे विद्यार्थियों से कहती हूँ कि एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को केवल मात्र पढ़ने से उसको आत्मसात नहीं करना चाहिए, उसके बारे में और जितनी जानकारियाँ हैं उसको भी हासिल करना चाहिए। बिलास खानी तोड़ी के नामकरण के संबंध में सबसे प्रमुख जो मत हमको मिलता है वो मिलता है कि मियां तानसेन के पुत्र बिलास खां के द्वारा इस राग को बनाया गया और ये राग बहुत ही चर्चित रहा और आज भी, तब से लेकर आज तक इस राग को गाया बजाया जा रहा है। एक अन्य मत के अनुसार बिलास खां नाम के कव्वाल थे जिन्होंने इस राग का निर्माण किया। तो ये दोनों मत जो हैं वो मिलते हैं। हम विद्यार्थी के रूप में दोनों मतों को ज़रूर अपने जब हम अपनी जानकारी में हमें रखना चाहिए। बहरहाल सबसे अधिक मत जो प्रचलित है वो मियां तानसेन के पुत्र बिलास खां के द्वारा इसके निर्माण का मत जो है वो प्रचलित है। राग बिलास खानी तोड़ी जैसे मैंने कहा कि विस्तार का राग है, यानी कि घंटों इसमें आलापचारी की जा सकती है। तो ध्रुपद गायक या बीनकार जो थे इस राग को गाना बजाना बहुत पसंद करते हैं। और तंत्रवाद्य हो या कंठ संगीत हो या वाद्य जो है उसके संगीत को लेके, तो आप देखिए कि गायन और वादन ये दोनों मध्यकाल से ध्रुपद को फॉलो करते आए हैं। आज भी हम कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम ख्याल गायक हैं तो ख्याल भी तो ध्रुपद को ही फॉलो करता है और वादन भी जो है वो भी गायन को फॉलो करता है। अब गायन में ध्रुपद गायन है उसको वो फॉलो करता है। तो एक अच्छा वादक जो है वो कहीं ना कहीं गायकी से ज़रूर जुड़ा होता है, क्योंकि जो कंठ से निकलता है उसी को वो अपने वाद्य में उतारने की कोशिश करता है। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं कि इनका वाद्य तो गाता है। आप देखिए इस तरह की के वाक्य, इस तरह की बातें आपने ज़रूर कलाकारों से सुनी होंगी कि इनकी वीणा तो गाती है, इनका वॉयलिन तो गाता है, ऐसा लगता है कि गाता है, इनका तबला जो है ऐसा लगता है कि गाता है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो गाना शुरू हो गया, उसका अर्थ ये होता है कि जो कंठ संगीत या जो गायकी में जो एक सौंदर्य है वो सौंदर्य हूबहू उस प्रकार से उस वाद्य से निकलता है। तो कुछ ये सांगीतिक भाषा जो मैं कहूँगी इसको भी विद्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जब संगीत को करियर लेते हैं तो अलग अलग स्ट्रीम से होते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़े होते हैं, और कुछ तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि जब स्नातक करने के लिए आते हैं या बीए की डिग्री लेने के लिए आते हैं, अब बीए में उनका एडमिशन होता है तो उनके लिए विषय एकदम नया होता है, वो उसको अपनी रुचि के अनुसार लेते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें बड़ी
मुश्किल होती है यदि उनको उसका अर्थ न समझ में आए, वो उस भाषा को समझ नहीं पाते। तो हम इस श्रृंखला के अंतर्गत जिस प्रकार से विद्यार्थियों को बताने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसी बातों से भी अवगत कराने का मेरा प्रयास होता है जो कि कलाकार या संगीतकार लोग आपस में कई बार इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो विलास खानी तोड़ी एक ऐसा राग है, क्योंकि बढ़त का राग है, इस राग में ध्रुपद ख्याल बहुत गाए बजाए जाते हैं। बीनकार लोग जो हैं वो इस राग को वीणा पर बजाना, विस्तार का राग है, आलापचारी का राग है, तो उसको बजाना बहुत पसंद करते हैं। ध्रुपद अपने आप में जो गायकी मध्यकाल में जो प्रचलित रही, अपनी चरम सीमा पर रही, हम कहें स्वर्ण युग उसका कहा जाए, तो उस समय बीनकार से मेरा तात्पर्य है वीणा बजाने वाले कलाकार, वीणा के कलाकार। वीणा को एक साधारण शब्दों में बीन कहा जाता है। इस बीन का उस बीन से कोई संबंध नहीं जो कि आपने अक्सर देखा कि सपेरे वाली बीन होती है, उसका इस बीन से कोई मतलब नहीं, वीणा को ही बीन कहा जाता है। तो जब बीनकार शब्द कहा जाए, इसका मतलब वीणा वादक जो है उसको बीनकार कहा जाता है। तो ध्रुपद गायक अक्सर वीणा वादक भी हुआ करते थे, और वो अपने ध्रुपद की जो गायकी है उसको वीणा पर निकालते थे, या वीणा पर जो जो बजाया जाता है, जो विस्तार किया जाता है, वो गायकी उसको भी अपने अंदर आत्मसात करती थी। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि मनुष्य का शरीर भी एक वीणा है, गात्र वीणा और दारु वीणा, इसका ये दो शब्द जो हैं वो मिलते हैं। मैंने इसको अपने गुरु से सुना और समझा कि गात्र वीणा और दारु वीणा, गात्र वीणा यानी मनुष्य शरीर भी एक वीणा की ही तरह है, और दारु वीणा यानी जो लकड़ी की बनी हुई वीणा है। तो आप लोग एक शब्द सुनते हैं दरख्त, जो वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए दरख्त शब्द जो है वो उर्दू में लिया जाता है। तो दारु वीणा, ये र में छोटी उ की मात्रा है, इसका मतलब लकड़ी से बनी हुई वीणा, काष्ठ से बनी हुई वीणा। तो मनुष्य के शरीर से जो वीणा, यानी हमारे कंठ में जो वीणा विराजमान है, जो हम हमारा संगीत कंठ से निकलता है, उसी को जो है दारु वीणा यानी जो लकड़ी से बनी वीणा उसको फॉलो करती है। तो ये भी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। अब विलास खानी तोड़ी की बात करते हैं। मैंने कहा कि विस्तार का राग है। इस राग के विषय में जो पंक्तियां विद्वानों ने कही हैं, उन्होंने कहा है रेग धनी कोमल लिए धग संवाद बखान, शाड़व संपूरन जाती है द्वितीय प्रहर दिन मान। तो इस राग की पूरी जो इसकी विशेषता है, इसकी अपनी जो खासियत है, इसका हम कहें कि ग्रामेटिकल जो इसका फॉर्म है, वो इन चार पंक्तियों में बता दिया गया है। विद्यार्थी इन चार पंक्तियों में ही राग के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। जैसे इसके इसमें कहा है रेग धनी कोमल लिए, तो देखिए थाट की जब हम बात करते हैं, मैंने ये पंक्तियाँ क्यों पहले बोली, इसलिए बताएं कि हम जब आगे थाट, जाति, वादी, संवादी, स्वर संगतियाँ, इसके आरोह अवरोह और पकड़ की बात करेंगे, तो पहले से एक सूत्र के रूप में यदि हम उसको जान लें तो बहुत सहज हो जाता है। और एक और प्रश्न है, क्यों ऐसा क्यों, इसके अभी उत्तर हमें बहुत कुछ मिलता है। इस राग का ठाट है भैरवी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस राग का ठाट है भैरवी। क्यों? पहली पंक्ति कहती है रे ग धनी कोमल लिए, रे ग ध नी, ये चारों स्वर कोमल हैं, इसीलिए इसको स्वरों के हिसाब से, स्वरों के स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो इसको भैरवी थाट के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि भैरवी थाट के अंतर्गत रे ग धनी स्वर हमेशा कोमल रहते हैं। धग संवाद बखान, अब इसकी इसका जो वादी और संवादी है वो धैवत और गांधार है। धैवत प्रमुख स्वर है, गांधार उसके संवाद में संवादी स्वर है। जाति की बात आई तो ये कहते हैं शाड़व संपूर्ण जाति है, यानी इसकी जाति शाड़व संपूर्ण, आरोह में 6 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं,
तो आरोह में कौन सा स्वर नहीं है वो हम आपको आगे बताते हैं। द्वितीय प्रहर दिनमान, इसका समय भी दूसरा प्रहर दिन का है, यानी हम सुबह की बात करते हैं 8 से 10 बजे के आसपास जो है इसको गाया बजाया जाता है। 7 बजे के बाद 10 तक जो है, 7 से 10 तक का जो समय है ये इसको गाने बजाने के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। बहुत मधुर, बहुत सुंदर राग है, बहुत धीर गंभीर जिसे कहा जाए वो राग है। मैं ये कहूँ कि इस राग को सुनते वक्त यदि आप एक मेडिटेशन की के भाव में चले जाते हैं तो वो गलत ना होगा, इतना खूबसूरत राग है। अब इस राग का आरोह अवरोह में जाति की बात को मैंने इस समय बहुत अधिक विस्तार से आपको अभी नहीं बताया, क्योंकि पहले मैं इसका आपको आरोह अवरोह बताती हूँ। सा तो आपने देखा आरोह, मैंने बोला सा रे ग प द नी द सा, तो मध्यम वर्ज किया गया है। सा रे नी द प द नी द म ग रे रे ग रे सा। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग है। कई बार आरोह इस प्रकार से भी गाया जाता है, सा रे ग म ग प ग प द नी द सा नी द प। अवरोह में रे नी द प द नी द म ग रे रे ग म ग रे ग रे सा रे नी सा रे ग। इतना खूबसूरत इसका आरोह और अवरोह है। आरोह बताते वक्त मैंने आपको जैसे बताया सा नि सा रे ग ग प, तो मध्यम को मैंने छोड़ा, लेकिन इस प्रकार से भी गाया जाता है सा रे ग म ग प, तो मध्यम पर जाके हम पुनः अवरोहात्मक रूप में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम ग प द सा इस प्रकार से भी जाते हैं, सा रे ग म ग प द नी द सा रे नी द प द नी द म ग रे ग रे सा रे नी सा रे ग। तो निषाद जो है वो तो आरोह में प्रयोग हो रहा है, सा नी सा रे ग, तो निषाद का प्रयोग हो रहा है ग प द नी द सा, जहाँ पर हम धनी धसा करके हम इसको गा रहे हैं, लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से कि निषाद का प्रयोग आरोहात्मक रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी जाति शाढ़व और संपूर्ण मानी गई है। और पकड़ की बात करते हैं, सा द ग रे रे ग रे सा रे नि सा रे ग म ग रे ग रे सा। तो इस प्रकार से आप गाएंगे तो आपको इसकी पकड़ जो है बिल्कुल स्पष्ट आपको सामने आ जाएगी। अब एक प्रश्न जो आपके मन में अब तक आ चुका होगा, वो प्रश्न होगा कि यहाँ पर ये राग तो भैरवी थाट का है, तो तोड़ी कहाँ पर आया, तोड़ी इसको बिलास खानी तोड़ी क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि आएगा ही आएगा कि क्यों नहीं इसको तोड़ी के अंतर्गत डाला गया है, तोड़ी थाट में इसको बिलास खानी तोड़ी तो हम कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भैरवी थाट के अंतर्गत है। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि
चाहे थोड़ा सा समझिए, चाहे थोड़ा सा आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो जानकारी चार राग भी हों, दस राग भी हों, उनकी जानकारी पूरी तरीके से ठोस जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि इसको विलास खानी तोड़ी कहते हैं और भैरवी थाट में इसको डाल दिया गया है? देखिए, तोड़ी इस राग में तोड़ी अंग बहुत ज्यादा जो है वो प्रबल रूप से सामने आ रहा है। कौन सा? सारे गारे सारे ने सारे गारे गारे सा, ये तोड़ी अंग आ रहा है। सारे गापा, राग का स्वरूप ही बदल गया। तो तोड़ी थाट के अंतर्गत, या हम कहें कि तोड़ी थाट में इसको क्यों नहीं रखा गया, तोड़ी थाट में मध्यम तीव्र है और ऋषभ गांधार और धैवत जो है वो कोमल है और मध्यम तीव्र है। यहाँ स्वरों को देखा जाए तो रेगा धनी ये चारों कोमल है और मध्यम शुद्ध है, जो कि भैरवी थाट की के स्वरों को बताता है। तो तोड़ी अंग तो इसमें बहुत प्रमुख है, इतना प्रमुख है कि उसको विलास खानी तोड़ी कहा गया, लेकिन थाट के हिसाब से देखा जाए तो उसको हमने उसको भैरवी थाट के अंतर्गत ही जाना है। तो ये राग, जैसे मैंने कहा कि विस्तार का राग है, आलापचारी का राग है, और जिस प्रकार से इस राग का स्वरूप बनाया गया है, जिस प्रकार से इस राग को का निर्माण किया गया है, उसमें हर स्वर को धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं तो वो स्वर कहते हैं कोई चीज़ पंखुड़ी खुलती चली जा रही है, तो राग भी खुलता चला जाता है। राग जीवंत है, मैं हमेशा कहती हूँ। राग का जो एक अपना अंदाज है, राग का अपना एक स्वरूप है, वो धीरे धीरे ही खुलकर सामने आता है। और इस राग के जब हम संप्रकृतिक राग की बात करते हैं तो भैरवी को भी लिया जाता है, कोमल आसावरी को भी लिया जाता है, और एक भोपाल तोड़ी को भी इस राग का संप्रकृतिक राग माना जाता है, इसके आसपास का राग माना जाता है। लेकिन इसकी जब तुलना की जाती है तो भैरवी के साथ इसकी तुलना होती है, तोड़ी मियाँ की तोड़ी के साथ इसकी तुलना यदि की जाए तो बहुत अंतर जो है उसमें हमें दिखता है। शुरू से ही हमें बहुत अंतर दिखता है। वो अलग बात है कि तोड़ी अंग इसमें बहुत प्रमुखता से आता है। तो थोड़ा सा हम इसका इसकी आलापचारी को भी देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें विस्तार किया जाएगा। सारे सारे गा गे रे गाय गम गे गाय रे सारे धसा मनी धसा निरे सागा से आलाप में देखिए तोड़ी कितनी
सुंदर तरीके से तोड़ी अंग सामने आ रहा है। और बिलास खानी तोड़ी की भी अपनी खासियत, जो उसका अपना एक स्वरूप है, अपनी एक आइडेंटिटी जो है वो भी सामने आ रही है। सा रे गा मा गा पा गा पा धा मगर गा मगर गा रे सा रे नि सा रे गा ध गा रे गा मगर गा रे सा। रागों को बार बार गाते रहना चाहिए। पुराने ज़माने में जिस समय की रिकॉर्डिंग का इतना सिस्टम नहीं था, जिस समय क्योंकि एक मौखिक विद्या है, ये ओरल ट्रेडिशन जिसे कहते हैं, सीना बसीना तालीम से जो है ये गुरु से शिष्य और शिष्य से आगे की जो जनरेशन है वहाँ तक पहुँचा, तो इसलिए रागों को लौटते रहते थे। लौटना मतलब बार बार उसको रिवाइज करते रहना, उसको बार बार गाते बजाते रहो, ताकि वो राग जो है वो भूलना नहीं चाहिए। तो ये पुरानी भाषाएं हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में ही बैठ के मैंने भी अपने गुरुओं से ही सुनी, और वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। सा रे गा मा गा पा गा पा धा नी धा मगर रे गा मगर गा रे सा रे गा पा धा नी धा मगर गा रे सा रे गा मगा पा धा सा रे नि धा ब ग प ध नि ध म ग रे ग म ग रे ग रे सा रे नि सा रे ग रे सा। रागों को सीखने के लिए रागों को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। ये जो राग हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी है, गुर्जरी तोड़ी है, मियाँ की तोड़ी है, तोड़ी अंग की बात कर रही हूँ मैं इस समय, इन रागों को बार बार सुनना चाहिए, बार बार इनको गाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तभी ये राग जो है ये आपको अच्छे से ये आएंगे। मैं सुनने की बात कर रही हूँ, तो एक ज़माना था जब इसकी शिक्षा मिल रही होती थी तो लोग अधिक सुनने नहीं देते थे। घरानेदार लोग जो हैं वो शिष्यों को तैयार करते थे और बहुत जल्दी किसी कलाकार को सुनने नहीं देते थे, क्योंकि उनका मानना भी सही था कि एक अपरिपक्व मस्तिष्क होता है, ऐसे में कुछ और सुन लिया जाए तो वो बैठ जाता है जहन में, और वह कहीं ना कहीं आपके गाने में या आपके बजाने में उसका प्रयोग करने लगते, जो हो सकता है आप उतनी सही तरीके से ना कर पाए। लेकिन आज का समय जो है वो अलग है। आपको इंटरनेट पे जो है आपको बहुत चीज़ें मिलती हैं। एक राग का आप नाम टाइप कीजिए और आपको पूरी उसकी श्रृंखला सामने आ जाती है। तो समझकर उसको, अपने राग को पहले समझिए, पहले जानिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए, उसको सीखिए, और उसके बाद फिर इन रिकॉर्डिंग्स को सुनिए, तो आप उसको टैली कर पाएंगे कि हाँ, जो हमने सीखा है वो ये कलाकार लोग इसको प्रयोग करें, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो तब आपकी जानकारी में और इजाफा होगा। तो ये मैंने आपको राग बिलास खानी तोड़ी के का स्वरूप बताया, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे एक तीन ताल की बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे साथ संगत कलाकार जो हैं श्री अजय वर्मा जी हैं, और तीन ताल की ये बंदिश है। कहा तू सोच तयाली मोहन तेरो रे नदी
कहा तू सोच रे नैनिना, 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 कहा तू सोचत आली मोहन ते रोए रे नैनिना, कहा तू सोच रे नैनिना, ते रो सोने सरे गम ग प धाम ग रे 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 गर सर गर सा रे नदिना, कहा तू सोच रे नदिना, सर गम म ग ग प ग प धनी धम गर ग ग प धाम ग रे गर सर नदिना, कहा तू सोच रे नदिना, कहा तू सोच रे नदिना, रे कहा तू सोचत आली मोहन ते रोए रे नैनिना, रे नैनिना, रे नैनिना, तो इस प्रकार से स्वरों का विस्तार या राग का विस्तार जो है बंदिश के साथ किया जाता है, तो बंदिश को गाने से राग थोड़ा आसान हो जाता है समझना। इसी को हम आगे और आपको अधिक जानकारी इसके बारे में देंगे।